आई गेट कितना, तो क्या क्या ओके आप दान देना, और हमें इसके लिए डीएसओ की जरूरत नहीं है। तो ये डीएसओ होगा तो कैसे चेक करना है ये भी दिखाता हूँ, और डीएसओ नहीं है तो भी कैसे चेक करना है ये भी दिखाता हूँ। आप दान दो, जैसे ही फोन को ऑन करेंगे या चार्जर लगाएंगे या सिर्फ बैटरी भी लगा देंगे, हेलो बैटरी, तो आपका क्रिस्टल एक्टिवेट हो जाएगा इस तरीके से, और ये इन आउट करता रहेगा बेसिकली। तो पावर आईसी क्लॉक फ्रिक्वेंसी बनाना चालू करेंगी, कौन सी फ्रिक्वेंसी चली बताओ, क्लॉक फ्रिक्वेंसी। ये क्लॉक फ्रिक्वेंसी एक होगी WCN, बोलो WCN, जिसमें कैपेसिटर और क्या लगा होगा रजिस्टर, ताकि हाई फ्रिक्वेंसी पास हो, क्या पास हो, किसको जाएगा वाईफाई, एक जाएगा WTR XO क्लॉक, हेलो ये किसको जाएगा आपके WTR IC को, SDR को, और एक होगा BB क्लॉक बेसबैंड क्लॉक, हेलो ये किसको जाएगा CPU को, इधर कैपेसिटर नहीं होगा, और ये होगा स्लीप क्लॉक, ये भी किसको जाएगा CPU को। अगर मेरा ये वाला कैपेसिटर ब्रेक हो गया सपोज, तो मेरा वाईफाई अपना NA हो जाएगा, क्या हो जाएगा NA, ठीक है, वाईफाई चलना बंद हो जाएगा। अगर ये वाला कैपेसिटर ब्रेक हो गया तो अपना बेसबैंड चला जाएगा, क्या चला जाएगा बेसबैंड, नो बेबी नो बीबी और नो सिम, सिम आना बंद हो जाएगा। अगर ये वाला और ये वाला रजिस्टर दोनों चले गए तो आपका सेट कंप्लीटली तरीके से डेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा डेड, डेड हो जाएगा, प्लस आपके सारे वोल्टेज क्या हो जाएंगे, हेलो यस सर। तो दिमाग में फोटो खींचे पहले इसका, आप दिमाग में रखिएगा कि अपन को अब डाटा सीट चाहिए, अब डायग्राम चाहिए, क्योंकि बिना डाटा डायग्राम के इंटरनली कैसे ढूंढ लेंगे, हमें कैसे पता है, बोर्नियो बताने वाला नहीं है, पावर का डायग्राम या पावर का डाटा सीट जो कि होता ही है हर साइट का, मैं स्कीमेटिक की बात नहीं कर रहा, डाटा सीट की बात कर रहा हूँ। सो अब हम उसके अंदर कोडिंग ढूंढेंगे, और वो कोडिंग होने वाली है बीबी क्लॉक, क्या होने वाली है बीबी क्लॉक। सो देखो आओ इधर आओ, अनिल इस पे पूरा फोकस करना, ठीक है, अभी अभी तो नहीं, अभी तो पहले वो टीवी पे फोकस करो, फिर बाद में आते हैं, अभी तुम बुलाऊंगा अभी बाद में। अब देखो, अब मेरे पास ये क्रिस्टल है और ये यहाँ पर गोला बना है नोज कट पॉइंट, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, बोलो एक दो तीन चार, बोलो आउट 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 ग्राउंड इन एक्सोथर्म, क्लियर है yes, sir। अभी अपन GR भी चेक करते हैं, अभी अब GR से शुरू कर लेते हैं। तो अगर अपन GR चेक करें तो कितना GR बोला था, 300 से 800। रेड को रखना है ग्राउंड पर, हाँ जी, और यहाँ पर टच करना है, यहाँ नहीं होना चाहिए क्योंकि ये वाला सिरा ग्राउंड ही होता है एक तरह से। तो ठीक है, तो देखो ये वाला सिरा ग्राउंड ही होता है तरह से, तो अब यहाँ पे टच, ये आउट है तो यहाँ पे GR मिलना चाहिए, स्टेबल है ये, ग्राउंड है तो 0-0 होना चाहिए, और ये इन है तो यहाँ पर GR मिलना चाहिए, अब मिल रहा है, और ये एक्सोथर्म है जिसके बीच में थर्मिस्टर लगा होता है, तो ये मिलना चाहिए। अब आप लोग आज जब फिर से पावर निकालेंगे तो अपना क्रिस्टल भी निकालिएगा, क्यों निकालेंगे, उसके पीछे देखना थर्मिस्टर लगा हो सकता है, हेलो हाँ, और अगर हम बोर्ड में क्रिस्टल को बदल के उल्टा करके लगा दे तो भी फोन डेड हो जाएगा, क्योंकि जहाँ इन है वहीं इन चाहिए, जहाँ आउट है वहीं आउट चाहिए, इसलिए नोज कट पॉइंट दिया है। ये पुराने सेटों के अंदर NTC का सर्किट नहीं होता था, इसलिए सिर्फ इन आउट होता था, क्या होता था, इसलिए बदल भी सकते थे, पर अभी यहाँ बदल नहीं सकते हैं क्योंकि एक्सोथर्म ग्राउंड हो जाएगा तो गेम खत्म हो जाएगा, तो ये दिमाग में रखना। अब हम क्या करें, तो अब हमें इस IC के पास एक रजिस्टर ढूंढना है, इसी पावर के पास, जो पावर के पास है, पावर के कहीं है, जिससे हम क्रिस्टल भी चेक कर लेंगे और पावर IC भी चेक कर लेंगे। तो अब हमें इसका डायग्राम चाहिए, तो अब हम इसका डायग्राम पर जाएंगे, तो पहले देख लेते हैं कहीं ये ऑलरेडी है ये, अब हम इसको कंबाइन करेंगे,
अब हम ये पावर आईसी को खोलेंगे। पावर आईसी के अंदर मैं पूरी पावर आईसी पढ़ाना सिखाऊंगा, तो ये आगे की क्लास में है। तो पावर आईसी के अंदर सबसे पहले हमें कंट्रोल पार्ट में जाना है, मतलब ये क्रिस्टल ढूंढना है, क्रिस्टल। और ये 19 in 19 out, ये आपका क्रिस्टल लगा है। और एक है आपका जो दो नंबर का है, ये आपका ग्राउंड है, यहाँ पे थर्मिस्टर ग्राउंड। और तीन नंबर आपका है जो आपका जा रहा है एक्सोथर्म, ये चार नंबर क्या जा रहा है एक्सोथर्म, ये जा रहा है नीचे यहाँ पर अलग से। देखो ग्राउंड का भी लाइन डायरेक्ट ग्राउंड नहीं है, वो भी आईसी के अंदर ग्राउंड हो रहा है, तो ये लाइन भी आपका होना चाहिए। और आपका एक्सोथर्म जा रहा है यहाँ पर, अगर हम इसको लाइन को टच करें ना, ये वाली लाइन को, तो ये हमें ये यहाँ पर दिख नहीं रहा है, ये लाइन पे एक्सोथर्म जा रहा है, एक्सोथर्म। तो ये सारी लाइनें आईसी के अंदर कनेक्ट हो रही हैं। तो फिलहाल यहाँ तो हम अगर छेड़ेंगे तो हमारा साइड डेड हो जाएगा, तो हमें नहीं करना। हमें इसके अंदर ढूंढना है बीबी अंडरस्कोर क्लॉक, बोलो बस, सिर्फ टाइप करना है, ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये कोडिंग फिक्स होती है क्वालकॉम के अंदर, CLK और 1 लिख दो और, तो ये आपको बीबी अंडरस्कोर क्लॉक, ये क्लॉक EN EN। तो पावर सबसे पहले सीपीयू क्या करता है, सबसे पहले इसको एक ट्रैक देता है EN की, तो सीपीयू इससे एक तरह से इनेबल के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप अब लग गए हो तो मुझे बीबी क्लॉक देना चालू करो, तो फिर वो उसको बीबी क्लॉक देना चालू करता है। तो ये वाला ट्रैक भी टूटा तो भी आपका गेम डेड में चला जाएगा और आपका वोल्टेज अप डाउन हो जाएगा। तो ये ट्रैक को आप कैसे चेक करोगे, आपको ये पावर आईसी को उतार के 55 नंबर पे सीपीयू का जीआर चेक करना पड़ेगा। अगर 55 नंबर पे सीपीयू का जीआर नहीं आया तो समझो ये ट्रैक क्या हो चुका है, टूट गया है। ये इंटरनली इंटीग्रेटेड ट्रैक है, इसका टेस्ट पॉइंट और कंपोनेंट होता नहीं है, नन। आप बीबी क्लॉक को चेक कर सकते हैं क्योंकि बीच में रजिस्टर है, कैपेसिटर है, तो जिन ट्रैकों के बीच में कोई कंपोनेंट नहीं होता उसको आईसी के निकाल कर ही पैड लाइन पे चेक करते हैं, जो मैं करके दिखाऊंगा जब अपन करेंगे। और यही रिपेयरिंग का सबसे बड़ा हिस्सा है कि आईसी उतारना लगाना, इसलिए सबसे पहले यही सीखना चाहिए, उसके बाद फिर स्कीमेटिक में जाना चाहिए पूरी तरीके से। तो अपन ये रजिस्टर ढूंढेंगे बीबी क्लॉक। अब बीबी क्लॉक के अलावा आप अगर चाहे तो स्लीप क्लॉक भी जा सकते हैं, तो ये देखो स्लीप क्लॉक, तो ये क्लॉक है, ये स्लीप क्लॉक। और इसके अलावा ये जा रहा है WTR, ये जा रहा है।